हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट आपको लगातार मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लेटेस्ट जॉब रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि निकाली गई है बिहार भू राजस्व विभाग भर्ती 2019 के लिए वेरियस पोस्ट के लिए। तो यहां पर आप कर पाएंगे अप्लाई ऑनलाइन। तो जानते हैं क्या है इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में और क्या है इसकी फुल डिटेल, तो आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये, जो कि आपके यहाँ पर 01/2019 है। यहाँ पर फ्रेंड्स जो भर्ती है आपकी विशेष सर्वेक्षण अमीन कुल पद के लिए निकाली गई है, जो कि 4950 पद यहाँ पर आपके रखे गए हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको कैटेगरी वाइज आपको डिटेल दी गई है और यहाँ पर जो है आपका भारत का नागरिक होना अनिवार्य है और ऑनलाइन आवेदन आप इसमें कर पाएंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स बात कर लेते हैं शैक्षणिक योग्यता के बारे में, तो सिविल इंजीनियरिंग में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए और आपको जो है यहां पर देखिए मानदेय भी दिया गया है। उसके बाद फ्रेंड्स आपकी यहां पर दी गई है उम्र सीमा, तो यहां पर 18 से उम्र आपकी काउंट होगी, कम से कम 18 साल की उम्र आपकी होनी चाहिए और ये 1/1/2019 को काउंट होगी। अधिकतम आयु की अगर बात करें तो देखिए यहां पर कैटेगरी वाइज जो जनरल कैटेगरी है पुरुष कैंडिडेट के लिए 37 साल है और अनरिजर्व महिला के लिए ओबीसी के लिए जो है 40 साल रखी गई है, एससी एसटी के लिए 42 साल आपकी उम्र यहां पर रहेगी। तो उसके बाद फ्रेंड्स यहां पर जो नियोजन अवधि है इसकी वो आपकी 31 मार्च 2020 तक रहेगी और आवश्यकता पड़ने पर 1-1 वर्ष के लिए इसको बढ़ाया जा सकता है। चयन प्रक्रिया जो है यहां पर आपके मेरिट बेस सिलेक्शन है, तो आपका यहां पर जो आपकी डिग्री है, जो आपकी मैट्रिक की आपकी मार्कशीट है, उसके बेस पे आपका यहां पर मेरिट बनेगी और उसके बाद ही आपका इसमें सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन आवेदन 11 से 1 अप्रैल 2019 तक आपके यहां पर चलने वाले हैं। ये हो गया आपका एक नोटिफिकेशन। सेकेंड नोटिफिकेशन 02/2019 है, जो कि अमीन पद के लिए 550 पद यहां पर रखे गए हैं। यहां पर सेम वही चीज है, आपको कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। मानदेय और शैक्षणिक योग्यता की अगर बात करें तो सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से अमरनाथ की डिग्री आपके पास हो या फिर आपके पास आईटीआई के सर्वेयर के प्रशिक्षण में सफल आपने कर रखा हो तो आप इसमें एलिजिबल हो जाते हैं। यहां पर उम्र सीमा वही रखी गई है और साथ में आपका चयन प्रक्रिया भी आपके रिलेवेंट जो आपका एजुकेशन क्राइटेरिया है उसकी मेरिट बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। तो ऐसे ही फ्रेंड थर्ड जो सिलेक्शन है, जो थर्ड जो नोटिफिकेशन है वो निकाली गई है सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के लिए, जो कि 275 पद आपके यहां पर रखे गए हैं। तो यहां पर फ्रेंड्स आपको जो मानदेय है वो आपको देखिए सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक और 2 वर्ष का आपको कम से कम अनुभव होना चाहिए शैक्षणिक योग्यता में और मानदेय आपको यहां पर दिया गया है। और उसके अलावा फ्रेंड्स यहां पर जो उम्र सीमा है वो आपकी 21 साल से कम से कम काउंट होगी और 1/1/2019 को आपकी उम्र कम से कम हो जानी चाहिए। नियोजन अवधि 31 मार्च 2020 तक ही आपकी यहां पर भी रहने वाली है। सेम यहां पर चयन प्रक्रिया है, तो आपकी जितनी भी एलजीटी होगी क्राइटेरिया होगा उसके बेस पे आपका यहां पर चयन प्रक्रिया आपकी रखी जाएगी। और उसके बाद जो नोटिफिकेशन है वो है 01/2019 कानूनगो के लिए, जो 550 पद यहां पर रखे गए हैं। इसके लिए फ्रेंड्स आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए और 2 वर्ष का न्यूनतम अनुभव होना चाहिए, तो ही आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। चयन प्रक्रिया बाकी आपकी यहां पर देख सकते हैं। उसके बाद जो लास्ट जो है वो 05/2019 आपकी नोटिफिकेशन लिपिक पद के लिए रखी गई है। यहां पर फ्रेंड्स इसमें जो योग्यता है वो स्नातक डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, तो आप इसमें अप्लाई कर पाते हैं। यहां पर जो न्यूनतम आयु है वो 21 साल है और मैक्सिमम आयु जो है 37 साल यहां पर आपकी रहेगी और रिजर्व कैंडिडेट के लिए जो है रिजर्वेशन वो आपको यहां मिल जाता है। नियोजन अवधि 31 मार्च 2020 तक ही आपकी इसमें रहने वाली है। चयन प्रक्रिया जो है इसमें आपके मैट्रिक, इंटर, स्नातक और स्नातकोत्तर में जो प्राप्त प्रतिशत है उसके आधार पर आपका लिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन आपको करना है और उसकी डिटेल आपको चाहिए, नोटिफिकेशन आपको देखनी है, तो आपको करना क्या है, आपको आना है वीडियो डिस्क्रिप्शन में और वहां पर आपको हमने इसकी शॉर्ट डिटेल सभी अवेलेबल करा दी है। तो यहां पर फ्रेंड्स आपको जो है पोस्ट नेम दिया गया है, साथ में क्वालिफिकेशन दी गई है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट दी गई है और इसका नोटिफिकेशन वेबसाइट अभी हमने आपको यहां पर अवेलेबल करा दिया है। 11 तारीख को इसका लिंक एक्टिवेट होगा तो वैसे ही वो यहां पर अपडेट कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो हमने बात की लेटेस्ट जॉब रिक्रूटमेंट के बारे में। आशा करता हूं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए 24 नॉलेज एंड लास्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।